वेल गाइस, तो फाइनली WWE के NXT के नो मर्सी पेपर व्यू पर WWE NXT का वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू हो चुका है। गाइस, यहां पर महीनों से जूलिया के WWE में डेब्यू रूमर्स के बाद फाइनली आज यहां पर WWE के NXT नो मर्सी पेपर व्यू के ऊपर जूलिया ने कर दिया है WWE के NXT पर उनका डेब्यू। गाइस, यहां पर आज WWE के NXT नो मर्सी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर NXT का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर NXT की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रोक्सिन परेज उनका टाइटल जेडा पार्कर के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के करीबन 8 मिनट के सॉलिड मैच के बाद रोक्सिन परेज उनके फिनिशर के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीतकर WWE के NXT का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल रिटेन करते गए और रोक्सिन परेज का सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है तभी अरीना में लाइट्स आउट होता है और इसके बाद यहां पर धमाकेदार थीम म्यूजिक के साथ गुलिया हमें यहां पर WWE के NXT पर डेब्यू करते हुए दिखाई देते गए, जो यहां पर रिंग के अंदर आकर NXT की वुमेन चैंपियन रोक्सिन परेज को कन्फ्रंट करती गए। और गाइस, यहां पर हफ्तों से रोक्सिन परेज के गुलिया के नेम के ड्रॉप करने के बाद फाइनली आज यहां पर जूलिया ने उनका डेब्यू कर दिया है और जूलिया ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि उनका पहला टारगेट NXT की वुमेन चैंपियन रोक्सिन परेज होने वाली गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि जूलिया ने NXT पर डेब्यू कर दिया है तो जूलिया का NXT में पहला मैच कब होता है और WWE के अंदर क्या यहां पर जूलिया उनके पहले टाइटल चैलेंज के ऊपर NXT की वुमेन चैंपियन बनती है या नहीं।